नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हम मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है इसके बारे में और मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपानों की चर्चा करेंगे। बच्चों, पहले के वीडियो में हमने देखा भी है परिभाषाओं में, अर्थ में, कि मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन अर्थ को मूल्य, अंकों के अर्थ को मूल्य प्रदान करता है। मूल्यांकन क्या होता है? अंकों के अर्थ को मूल्य प्रदान करता है। मूल्यांकन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन में शैक्षिक गतिविधियों, शैक्षिक प्रविधियों, शिक्षण उद्देश्यों, व्यवहारगत परिवर्तनों, रुचियों, बुद्धि, ज्ञान, अवबोध, इन सब का अध्ययन जो है वो मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। जबकि मापन किसी भी व्यक्ति या वस्तु के एक गुण का मापन किया जाता है। बच्चों, तो मूल्यांकन एक समग्र प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन का एक छोटा सा भाग है मापन। लेकिन मापन के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। शोध कार्य किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं, बालक के व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है वो मापन के माध्यम से ही संभव है। बच्चों, बिना मापन के सही अर्थों में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो आज हम मूल्यांकन और मापन में अंतर देखेंगे। तो पहला बिंदु देखिए बच्चों, वस्तु अथवा व्यक्ति की समग्रता का मूल्यांकन। मूल्यांकन में वस्तु और व्यक्ति के समग्र रूप का आकलन किया जाता है। जैसे मैं ये बोल दूं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों पक्षों को ध्यान में रखकर ही बच्चों क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। जबकि अगर हम मापन की बात करें बच्चों, तो मापन में वस्तु अथवा व्यक्ति के पृथक पृथक गुणों का मापन किया जाता है। तो मूल्यांकन में वस्तु अथवा व्यक्ति की समग्रता का मूल्यांकन होता है, जबकि वस्तु अथवा व्यक्ति के पृथक पृथक गुणों का मूल्यांकन जो है वो मापन के अंतर्गत किया जाता है। अब आता है बच्चों दूसरा, वस्तु का मूल्य निर्धारण। वस्तु या व्यक्ति का मूल्य निर्धारण मतलब ये है कि बालक ने जिस अधिगम अनुभव को सीखा है उसके अंतर्गत उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, कितने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सका है, बच्चा के किस क्षेत्र में अधिक रुचि है, बच्चे में किस कौशल का विकास हुआ है, ये सब हम मूल्यांकन के आधार पर ही समझ सकते हैं। किसी भी वस्तु या व्यक्ति का मूल्य निर्धारण करना ही मूल्यांकन कहलाता है। जबकि वस्तु या गुण का कितना है, उसमें कितनी वस्तु है या किन किस एक गुण का विकास हुआ है, उसके लिए सीमा निर्धारित करता है कि उसकी बुद्धि लब्धि 80 है, उसका वजन 50 किलो का है, वो जो लड़का है उसकी वास्तविक आयु इतनी है, उस बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, ये सब हम मापन के माध्यम से देखते हैं। लेकिन इनका समग्र रूप से अध्ययन हम मूल्यांकन के आधार पर करते हैं कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 60 है तो इसका मतलब है वो बच्चा किस लेवल का है। बच्चे का अगर बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक है तो वो बच्चा औसत बालक है। तो औसत बालक का गुण जो निर्धारित करेगा वो मूल्यांकन करेगा, जबकि उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो 90 से 110 तक है, इस सीमा का निर्धारण हम मापन के माध्यम से करते हैं। तो दूसरा बिंदु है, वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है मूल्यांकन, जबकि मापन वस्तु या गुण कितनी है उसकी सीमा निर्धारित करने का कार्य करता है। तीसरा बिंदु है बच्चों, धन अधिक वे। आप सब जानते हैं बच्चों कि मूल्यांकन के आधार पर हम देखते हैं कि आपने रुचि का, उद्देश्यों का,
लक्ष्यों का, व्यवहारगत परिवर्तन का, इन सब का एक साथ बच्चों का समग्र रूप से अध्ययन करने में खर्चा अधिक लगता है, धन का अधिक व्यय होता है, जबकि मापन में हम केवल एक सीमा निर्धारित करते हैं, एक एक गुण को देखते हैं, तो मापन का क्षेत्र सीमित होता है, इसलिए धन का अपव्यय भी कम होता है। तो मापन में धन कम लगता है जबकि मूल्यांकन में धन अधिक लगता है। फिर है मूल्यांकन की प्रक्रिया में बच्चे के अनेक गुणों का मापन हो जाता है कि बालक में सामाजिक गुण है या नहीं, बालक की पढ़ने में रुचि है या नहीं, बालक किस विषय में विशेषज्ञ है, बालक किस विषय को पढ़ने में रुचि नहीं दिखाता है। तो कई गुणों को एक साथ समाहित करता है आपका मूल्यांकन, जबकि एक वस्तु और एक व्यक्ति के एक ही गुण का मापन, जैसे मापन में हम साइंस का हमने एग्जाम लिया बच्चे का, तो उसके आधार पर जाना कि बच्चे के इतने नंबर आए तो उसके एक ही गुण का पता चलता है। तो मापन के माध्यम से बालक की एक ही गुण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जबकि मूल्यांकन में अनेक गुणों का मापन संभव होता है। उसके बाद आता है समय कम लगता है, समय अधिक लगता है। आप सब जानते हो मूल्यांकन में जितने भी गुणों का विकास होता है पहले आकलन और मापन हो जाता है, तो मापन से सूचनाओं का संग्रह हो जाता है, आकलन से सूचनाएं संकलित हो जाती है, मापन से डेटा तैयार हो जाता है और मापन से सारी जो जांचें हैं वो पूरी हो जाती है, उन जांचों को केवल देखना है मूल्यांकन में। जबकि यहाँ पर मापन में जो है बच्चे के अलग अलग गुणों का अलग अलग तरीके से मापन करने में समय अधिक वे लगता है, जबकि मूल्यांकन में समय कम लगता है, क्योंकि मापन के माध्यम से आधे से ज्यादा मूल्यांकन हो जाता है, आधे से ज्यादा कार्य मापन के अंतर्गत ही हो जाता है, इसलिए मूल्यांकन में कम समय लगता है जबकि मापन में अधिक समय लगता है। फिर बात है मूल्यांकन के आधार पर हम देख पाते हैं कि बच्चे की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बालक में किस क्षेत्र में रुचि है, कितना उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई, इस आधार पर हम उस बच्चे को शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देते हैं और पूर्वानुमान लगा लेते हैं और भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये बच्चा इस क्षेत्र में जाना चाहिए। जबकि मापन के माध्यम से, क्योंकि आप सब जानते हैं बच्चों कि अगर एक औसत बच्चा है जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है, अगर उसको भी वातावरण दिया जाए, उसको भी अलग तरीके से उसको सिखाया जाए, बालक की रुचि को विकसित की जाए, बालक की योग्यता का विकास किया जाए, तो वो बालक भी अच्छा सीख पाता है। तो मापन के माध्यम से हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, परसेंटेज के आधार पर हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते उस बच्चे की कि वो बच्चा आगे जाकर के IAS या IFS जो भी ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर जो भी वो बनना चाहता है, हम उसके अंकों के आधार पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जबकि मापन में, मूल्यांकन में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों को देख करके हम भविष्यवाणी या पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि इस बच्चे को इस क्षेत्र में आगे जाना चाहिए। तो मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, जबकि मापन के आधार पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। आपको मैंने बताया भी था मूल्यांकन मूल्य देता है, मूल्यांकन मूल्य देता है जबकि मापन अंक देता है, अंक देता है, अर्थपूर्ण होता है और परिमाणात्मक होता है। ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के निर्णय देता है, जबकि ये केवल मात्रात्मक निर्णय देता है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि इतनी है, बच्चे की मानसिक आयु 30 साल है, बच्चे की वास्तविक आयु 15 साल है। तो ये सब देने का केवल मात्रात्मक निर्णय देता है, जबकि मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के निर्णय देता है। उसके बाद आता है, ये व्यापक अवधारणा है, इसमें रुचि, आवश्यकता, अभिवृत्ति, शिक्षण विधि, प्रविधियां, ज्ञान, अवबोध, बुद्धि, इन सब को समाहित करता है आपका मूल्यांकन,
जबकि मापन किसी एक गुण को ध्यान में रखते हुए वस्तु या व्यक्ति के एक गुण को देखते हुए उस क्षेत्र का मापन करता है। ये केवल संख्यात्मक होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, ये केवल वस्तु या व्यक्ति को अंक प्रदान करने का कार्य करता है। उसके बाद आता है मूल्यांकन के आधार पर हम तुलना कर सकते हैं कि बालक ने कितना ज्ञान प्राप्त किया, जबकि यहाँ पर एक ही गुण का मापन किया जाता है तो बालक का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो ये हमने मापन और मूल्यांकन में अंतर को समझा कि मूल्यांकन वस्तु और व्यक्ति की समग्रता का मूल्यांकन करता है, जबकि मापन वस्तु अथवा व्यक्ति के पृथक पृथक गुणों का मापन करता है। ये वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है, ये वस्तु या गुण कितना है उसकी सीमा निर्धारित करता है। धन अधिक व्यय होता है, जबकि इसमें धन का व्यय कम होता है। इसमें अनेक गुणों का मापन होता है, इसमें केवल एक ही गुण का मापन होता है। मूल्यांकन में समय कम लगता है, जबकि मापन में समय अधिक लगता है। मूल्यांकन के माध्यम से भविष्यवाणी की जा सकती है, जबकि मापन के माध्यम से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मूल्यांकन मूल्य देता है, जबकि मापन अंक प्रदान करता है। मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक निर्णय देता है, जबकि ये केवल मात्रात्मक निर्णय देता है। ये व्यापक अवधारणा है, जबकि इसका क्षेत्र सीमित है। ये तुलनात्मक अध्ययन करता है, जबकि मापन तुलनात्मक अध्ययन नहीं करता है। इसके अलावा भी मापन और मूल्यांकन में बच्चों कई भेद है। मूल्यांकन का ही एक भाग है बच्चों मापन। मापन के बिना मूल्यांकन नहीं हो सकता बच्चों। किसी भी वस्तु या गुण को अर्थ प्रदान करने के बाद ही उस पर शोध और अनुसंधान कार्य किए जा सकते हैं, उद्देश्यों को निर्धारित किया जा सकता है, उसके व्यवहारगत परिवर्तन को देखा जा सकता है। तो उसका आधार है बच्चों मापन। मापन के बिना मूल्यांकन संभव नहीं है। तो ये है मापन और मूल्यांकन में अंतर। अब बात करते हैं बच्चों मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। मूल्यांकन जब बच्चे का किया जाएगा तो उस समय हमें क्या देखना होता है। मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करना। जैसे मैं बताऊं बच्चों की जब आप बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, जब आप यूनिट प्लान बनाते हैं तो वहां पर शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं कि बालक ने किस किन किन चीजों का ज्ञान देना है, किन चीजों की वो व्याख्या कर सकेंगे, किन चीजों को वो वर्गीकरण कर सकेंगे, उसमें रचनात्मक कौशल क्या विकसित होगा, उसमें अभिवृत्ति कौशल क्या विकसित होगा, बालक में सामाजिकता के गुणों का विकास होगा, बालक में सामाजिक गतिविधियों का विकास होगा, बालक रीति रिवाजों के बारे में जान पाएगा, बालक भारतीय संस्कृति का ज्ञान कर पाएगा। ये सब उद्देश्य जो है हम मूल्यांकन में सबसे पहले निर्धारित करते हैं और फिर उनको परिभाषित करते हैं। सबसे पहले मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है और उसके बाद पर उनको परिभाषित किया जाता है। फिर इन शिक्षक उद्देश्यों के आधार पर अधिगम अनुभवों का निर्माण किया जाता है और प्रस्तुतीकरण किया जाता है। शैक्षिक अनुभव प्रदान करता है टीचर बालकों को कि बालक को जो अधिगम अनुभव सिखाए जाएंगे उनका शैक्षिक उद्देश्य जो हमें निर्धारित किया है वो उससे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है अधिगम अनुभव या विषय वस्तु का निर्माण इस प्रकार से करना है या इस प्रकार से उसका प्रस्तुतीकरण करना है ताकि शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में देखा जाता है कि किस प्रकार बच्चे को अधिगमों का अनुभव दिया जाए, अधिगम या विषय वस्तु का ज्ञान दिया जाए ताकि बच्चा अच्छा कर सके। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में सबसे पहले शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, उनको परिभाषित किया जाता है और दूसरा है अधिगम अनुभवों का निर्माण किया जाता है और उसका प्रस्तुतीकरण किया जाता है। तीसरा है व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। तीसरे आधार सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों। अधिगम अनुभव बच्चे को दे दिए, विषय वस्तु का ज्ञान बच्चे को दे दिया, अब देखा जाता है कि बालक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसके आधार पर ही बच्चों
बालक का मूल्यांकन किया जाता है, शिक्षक का मूल्यांकन किया जाता है, विद्यालय में जो और जो संस्थाएं हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं, उच्च स्तर पर जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है, शिक्षण संस्थाओं ने किस क्षेत्र में कितना कार्य किया उनका मूल्यांकन किया जाता है, किस उद्देश्य को कितनी सीमा तक प्राप्त किया इसका मूल्यांकन हम मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर करते हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के तीन आधार है, फिर मूल्यांकन कार्य हेतु 3 सोपान इसमें बताए गए हैं। बाकी मूल्यांकन करने से पहले इन तीन चीजों को, तीन प्रक्रियाओं से होकर मूल्यांकन को गुजरना पड़ता है। सबसे पहला शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करना और परिभाषित करना, अधिगम अनुभवों का निर्माण करना और उसका प्रस्तुतीकरण करना। तीसरा व्यावहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। चौथा मूल्यांकन कार्य हेतु सबसे पहले क्या देखता है, पहला देखता है कि ये जो परिस्थितियां हमने प्रदान करी है उससे छात्र के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। ये पहला मूल्यांकन किया जाता है कि जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए उन उद्देश्यों के आधार पर जो हमने अधिगम अनुभव दिए, जो परिस्थितियां बच्चे के सामने पैदा करी उन परिस्थितियों में छात्र ने क्या सीखा, कितना सीखा, ये मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा निर्धारित विषय वस्तु, जो हमने अधिगम अनुभव उसको दिए वो किस सीमा तक सफल हुए हैं या उन विषय वस्तु का संबंध व्यवहारगत परिवर्तन से लगाते हैं कि विषय वस्तु से कितना बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ इसके बारे में देखा जाता है। इसके अलावा जो व्यवहारगत परिवर्तन हुआ अगर अन्य विधियों के द्वारा बालक को पढ़ाया जाता तो कितना व्यवहारगत परिवर्तन होता ये मूल्यांकन किया जाता है बच्चों। तो ये मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। मूल्यांकन कार्य हेतु बच्चे का देखा जाता है कि जो परिस्थितियां बालक को दी गई है उन परिस्थितियों में छात्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, निर्धारित विषय वस्तु का संबंध व्यवहारगत परिवर्तन से देखा जाता है और अन्य विधियों के माध्यम से ये देखा जाता है कि जिस विषय वस्तु के माध्यम से या जिस शिक्षण विधि के माध्यम से बालक को पढ़ाया गया अगर दूसरी विधि के माध्यम से पढ़ाया जाएगा तो बालक के व्यवहार में ज्यादा परिवर्तन आ सकता है। तो एक फीडबैक का काम भी करता है आपका मूल्यांकन और मापन भी करता है, मापन भी फीडबैक का काम करता है जबकि मूल्यांकन भी फीडबैक का काम करता है। आगे सीखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करने का कार्य मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन व्यक्ति का स्वयं मूल्यांकन करने का कार्य भी करता है। बच्चे में एक आत्मविश्वास की भावना का भी विकास होता है। शिक्षक किन शिक्षण विधियों का प्रयोग आगे करे इसके लिए प्रोत्साहित करने का कार्य भी मूल्यांकन करता है बच्चों। तो आपने आज मूल्यांकन और मापन में अंतर को समझा, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपानों के बारे में चर्चा करी है बच्चों आज हमने। आप सब बच्चों जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, सीटेट, रीट, उन सब में मूल्यांकन और मापन पूछा जाता है तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और जो मैंने मापन और मूल्यांकन के ये जो आपको बताया है अर्थ और इसको लिखा है इसके लिए अपनी एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी में इस अंतर को समझिए और जो मैंने मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपानों के बारे में चर्चा की है उनके बारे में समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालें ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाती रहूँ। धन्यवाद। ओह।